हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके मैं आ गई हूँ। आप सभी एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा। आप आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और आपके लिए एग्जाम में 3-4-5 क्वेश्चन इस वीडियो से ही मिल जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और आपका जो स्टेट 2024 आल सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आपका जो पेपर वन है 9th-10th का, वो मई में कंडक्ट होना है 18 से 29 मई तक। एंड जो पेपर टू है वह आपका जून में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस एंड जो मैं 2024 का ये 61वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, LNCPE के प्रथम प्राचार्य कौन थे तथा वे LNCPE से पहले कहाँ कार्य करते थे, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य कौन थे दोस्तों। तो आप सबको पता है पीएम जोसेफ थे। कौन थे? पीएम जोसेफ थे। और ये सारे शिक्षा महाविद्यालय कांदिवली मुंबई में कार्य करते थे यहाँ के प्राचार्य होने से पहले। और लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ एंड इसको 2 सितंबर 1995 को डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया, यह भी याद रखिएगा। एंड 2008 में प्रो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला एंड 2000 में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन आया। एंड इसका एक और जो महाविद्यालय है 1985 में LNCPE त्रिवेंद्रम में खोला गया एंड 2010 में गुवाहाटी असम में LNIPE खोला गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिप बोन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हिप बोन को इननोमिनेट बोन कहते हैं, यानी कुल्हे की हड्डी। और जो हिप बोन होती है इननोमिनेट बोन, कुल्हे की हड्डी, वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, स्टीनियम एंड प्यूबिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इननोमिनेट बोन जो है उसको हिप बोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेडियम नाम कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों स्टेडियम नाम जो है 200 गज से लिया गया है, यानी कि 200 गज एक स्टेडियम के बराबर होता है, एक स्टेडियम के बराबर 200 गज होता है। इस स्टेडियम शब्द के कारण ही स्टेडियम नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो खेल का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जूडो खेल का पितामह डॉक्टर जिगारो कानो को कहा जाता है, जो 1882 में डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा जापान के एक अध्यापक थे जिन्होंने जूडो खेल का आविष्कार किया, जिन्हें जूडो का पितामह कहा जाता है। तो ये जापान का राष्ट्रीय खेल भी है जूडो, याद रखिएगा, जापानी कुश्ती भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, इतिहास यानी हिस्ट्री का पितामह किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है हिस्ट्री का पितामह। नेक्स्ट दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के पितामह कौन है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन के पितामह हैं चिकित्सा शास्त्र के, सॉरी दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको चिकित्सा शास्त्र है, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन तो खेल चिकित्सा हो जाएगा, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्री पितामह आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो है आपका हिप्पोक्रेटस। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आहार कैसे कार्य करता है और चिकित्सा की पद्धति को उन्होंने सबसे पहले अपनाया। नेक्स्ट दोस्तों, किन्सियोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है। किन्सियोलॉजी यानी कि गति विज्ञान के पितामह है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। नेक्स्ट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन का पितामह किसे कहा जाता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा के पितामह हैं हेरोडिकस। कौन है? हेरोडिकस। इनको हेराकडिकस या डॉक्टर जेसी कर्नेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता है वॉलीबॉल का जो जनक है 1895 में
विलियम जी मॉर्गन ने अमेरिका में इसकी खोज किया था। तो यहाँ पे विलियम जी मॉर्गन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल का जनक किसे कहा जाता है। तो बास्केटबॉल के जनक को भी आप सब रटे हुए हैं, जो 1891 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में डॉक्टर जेम्स निस्मिथ ने इसको खोजा था। तो डॉक्टर जेम्स निस्मिथ कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ख। नेक्स्ट है दोस्तों अष्टांग योग का जनक किसे कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में शरीर मन आत्मा शुद्धि के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। तो इसके जनक हैं महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से क्या विषम है, तो ऑड क्या है इसमें, तो दोस्तों हिटिंग हिट करना थर्ड क्लास लीवर तो राइट है, क्योंकि किसी चीज पे हिट कर रहे हैं डायरेक्ट फोर्स आप सेंटर में कर रहे हैं हिट करते समय, किकिंग किक भी लगा रहे हैं तो सेंटर में हिट कर रहे हैं, यहाँ भी तो सेंटर में जो फोर्स फर्स्ट क्लास के लीवर में एक्सिस बीच में होता है रेसिस्टेंस और फोर्स के, और सेकेंड क्लास के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, और थर्ड क्लास के लीवर में फोर्स यानी बल बीच में होता है। तो हीटिंग और किकिंग दोनों में फोर्स बीच में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर होगा। एंड दोस्तों थ्रोइंग थ्रो कर रहे हैं तो भी हम बीच में फोर्स लगा रहे हैं, ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर होगा। बट आपका जो है पंचिंग जो है ये थर्ड क्लास लीवर नहीं है, पंचिंग जो है वो थर्ड क्लास लीवर नहीं है, ये सेकेंड क्लास लीवर है। पंचिंग पंच मारना सेकेंड क्लास जिसमें भार बीच में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, यहाँ पे रोड यानी कि रोड सेल की बात कर रहा है, जो आंखों में दो सेल होता है रोड सेल और कोन सेल। जो रोड सेल होता है अंधेरे उजाले का फर्क बताता है यानी अंधेरे में एक्टिव रहता है, और जो कोन सेल होता है वो कलर बताता है प्रकाश में एक्टिव रहता है वस्तुओं के कलर को बताता है। तो यहाँ पे रोड सेल डार्क लाइट बताता है राइट है, कोन सेल कलर को बताता है ये भी राइट है, एंड ऑप्टिक सेल जो है एक प्रकार का सेल है जिससे तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं जिससे हम देख पाते हैं। रेटिना जो है एक लेंस नहीं है, लेंस जो है रेटिना पर फोकस करता है जिससे रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ पे एक क्या है रेटिना जो है ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंस नहीं होगा यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं ट्रैकिया एपिग्लोटिस ब्रांचस, ये तीनों की तीनों हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के भाग हैं, और आइसोफेगस जो है ग्रास नली को भोजन नली को कहा जाता है, ये पाचन तंत्र का भाग है इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे दोस्तों विंबलडन ओपन फ्रेंच ओपन टेनिस यूएस ओपन एंड एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है टेनिस के। बट आपका डेविस कप इसका एक कप है इसलिए अलग है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे भी आपका लव आल ड्रॉप सूट एंड गेम्स ऑफ 21 पॉइंट का, ये सभी आपके हैं टेबल टेनिस से संबंधित, बट ये सभी आपके हैं बैडमिंटन से संबंधित। दोस्तों लव आल ड्रॉप सूट शॉट एंड गेम्स ऑफ 21 बैडमिंटन से संबंधित हैं, और एक्सपेडाइट सिस्टम जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, एक्सपेडाइट सिस्टम जो है टेबल टेनिस से संबंधित है इसलिए अलग है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे जो है एनएसएस एनसीसी रोवर्स एंड रेंजर्स ये सभी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऐच्छिक हैं, बट आपका टेरिटोरियल आर्मी जो है इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे है रिलायबिलिटी
रिलायबिलिटी को ही कॉन्सिस्टेंसी कहा जाता है, ट्रस्टवर्दीनेस भी बोला जाता है। जबकि यहाँ पे विषम क्या है, यहाँ पे विषम है यूनिफॉर्मिटी। क्या है विषम? यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जो है ऑब्जेक्टिविटी से संबंधित है। तो आपका जो क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट के लिए साइंटिफिक अथॉरिटीसिटी, वैज्ञानिक प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड चाहिए होता है। इसमें से रिलायबिलिटी क्या होता है कि किसी भी परीक्षण को बार बार टेस्ट लिया जाता है और उसके हर बार स्कोर एक ही आते हैं, यानी कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाए और हर बार परिणाम एक जैसा आए तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। इसको कॉन्सिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिपीटेबिलिटी भी कहा जाता है। और यूनिफॉर्मिटी को हम ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। ये होता क्या है कि एक परीक्षण को किसी एक समूह पर प्रयोग किया जाता है और इस हेतु दो से अधिक एक्सपर्ट को यानी विशेषज्ञ को उसके ऑब्जर्वेशन के लिए यानी मूल्यांकन के लिए बैठा दिया जाता है और वह परिणाम एक जैसा सभी लोग बताएं तो वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी माना जाता है। और इसको ऑब्जेक्टिविटी को यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो यहां भी आपको देखना है कि स्ट्रोकिंग्स, स्टूल, सीन पैड, इस सभी के सभी फुटबॉल से रिलेटेड हैं दोस्तों, जबकि एल्बो गार्ड जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। एल्बो गार्ड जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है ओलंपिक आयोजन शहर से के संबंध में? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेरिस, लंदन, स्टॉकहोम, इस सभी के सभी यूरोप महाद्वीप में आते हैं, जबकि जो मैक्सिको सिटी है वो अमेरिका महाद्वीप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है खेलों के अंक से संबंधित? तो यहाँ पे 20 पॉइंट का कोई गेम नहीं होता, जबकि 15, 30, 40 एक टेनिस से रिलेटेड अंक है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है यहाँ पे शटल रन, चिन अप एंड वर्टिकल जंप, ये तीनों के तीनों दोस्तों जेसीआर टेस्ट से संबंधित है, यानी जे से जंप हो गया, सी से चिन अप और आर से रन एंड शटल रन, ये तीनों जेसीआर टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, बट 50 यार्ड डॉस नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एलगन है, टीजी टेस्ट है, फ्लेक्सोमीटर है, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मापते हैं, जबकि डायनामोमीटर जो है आपका स्ट्रेंथ यानी ताकत को मापता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्लेविकल, स्टर्नम, सैक्रल वर्टिब्रा, ये सभी के सभी जो है एक्सियल कंकाल है। हमारे अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे जो धड़ होता है और पीठ वाला भाग पूरा आता है, यानी दोनों पैर दोनों हाथों को छोड़कर सब एक्सियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और अपेंडिकुलर में 126। तो यहाँ पे ह्यूमरस जो है अपेंडिकुलर के अंतर्गत आता है, जबकि क्लेविकल, स्टर्नम एंड सेक्टरल वर्टिब्रा ये सभी एक्सियल कंकाल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे है दर्शन शास्त्र से प्राग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटिज्म, ड्वेइज्म, ये सभी एक ही प्रयोगवाद जिसे व्यवहारवाद कहते हैं उसी का नाम है, जिसके जनक हैं जॉन डीवी, यहाँ पे तीनों एक है, और नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद है जिसके जनक है रूसो, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो बेम्बले, स्टेडियम ऑफ साइड, बेम्बले स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, ऑफ साइड भी है, पेनल्टी भी है, बट
रन आउट जो है आपको पता ही है एक क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से क्या विषम है, तो यहां पे आपको देखना है कि मोरारजी देसाई जो योग संस्थान है नई दिल्ली में है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान महाविद्यालय जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कॉलेज है वो 7 मई 1961 में पटियाला में है। ये तीनों के तीनों जो है शारीरिक शिक्षा संबंधी संस्थान है, बट लाल बहादुर शास्त्री नाम से कोई भी शारीरिक शिक्षा संबंधी संस्थान नहीं है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी को निम्न में से किसे विकसित किया जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को दोस्तों यहां पे किससे विकसित किया जाएगा, तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा यहां पे क्वेश्चन छुप गया है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित किया जाता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ थे, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके 28 से लेकर 37 क्वेश्चन गायब हो गए हैं दोस्तों, सॉरी इसके लिए। मैंने तो सभी चीज़ें को यहाँ पे PDF बनाया हुआ था बट यहाँ पे कट हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के बाद सीधे हम 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनिका कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों कोनिका कप का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है दोस्तों एक धावक के जूतों में कीलें क्यों होती हैं, जो धावक होता है उसके जूते में नीचे जूते में कीलें होती है क्यों दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं जूते चप्पल जो है घिस जाते हैं तो आप फिसल के गिर जाते हैं, इसका मतलब घर्षण नहीं होता है, उस घर्षण को बढ़ाने के लिए उसमें कीले लगाए जाते हैं, तो घर्षण बढ़ाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है स्पाइक यानी जो कीले होते हैं ट्रैक एंड फील्ड में जूते में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पाइक यानी कील होते हैं, 11 होते हैं। अगर सिंथेटिक ट्रैक पर आप दौड़ रहे हैं तो उसके लिए जूते में जो कील होती है उसकी कितनी लंबाई होती है, ऊंची कूद या जेवलिन थ्रो को छोड़कर तो 9 mm, और ऊंची कूद जेवलिन थ्रो में कितनी होती है 12 mm लंबाई। जब नॉन सिंथेटिक ट्रैक होता है तो उस कंडीशन में जूते की जो कील की लंबाई होती है 25 mm होती है। नेक्स्ट दोस्तों हेट नामक सिद्धांत का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो हेट नामक सिद्धांत का प्रयोग दोस्तों पिछले वीडियो में भी आपने देखा है शूटिंग में किया जाता है, जिसमें HAT एच से तात्पर्य होता है होल्डिंग, A से एमिंग और T से टाइगरिंग होता है। नेक्स्ट दोस्तों केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है स्क्वाड थ्रस्ट टेस्ट यानी बर्फी टेस्ट से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों बर्फी टेस्ट से कोऑर्डिनेशन यानी कि एजिलिटी यहां पे मापा जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता यानी एक्शन पोटेंशियल को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता यानी एक्शन पोटेंशियल को मापा जाता है। यहाँ पे डायनेमोमीटर से स्ट्रेंथ यानी ताकत को मापा जाता है, और गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी यानी जोड़ों के कोण को मापा जाता है, एंड मैनोमीटर से ग्रिप स्ट्रेंथ राइट एंड लेफ्ट हैंड की ग्रिप स्ट्रेंथ को मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एथलेटिक्स में प्रथम स्थान के लिए 3 टाइम कीपर्स की घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं, तो कौन सा समय निर्णायक होता है, तो उस कंडीशन में जो मध्य वाला घड़ी होता है समय बताने वाला उसको रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो बेसिक चीजें हैं, तो इसके चलते आपको एक नंबर कट ना हो इसलिए सबको याद रखे रहिएगा, तो 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं, तो
एक यार्ड में 0.914 मीटर होता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा कि विश्राम, सावधान विश्राम होता है, अटेंशन स्टेनेडिज, उसके कंडीशन में जो आपका फासला होता है दोनों पैरों एड़ी और पंजों के बीच में, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्राम की स्थिति में पंजों का फासला कितना होता है। तो दोस्तों विश्राम की स्थिति में जो है पंजों का फासला 18, दोनों पंजों का फासला पंजों के बीच में 18 इंच की दूरी होती है और एड़ी के बीच में 12 इंच की, याद रखिएगा। अगर विश्राम की स्थिति में खड़े हैं तो दोनों एड़ी के बीच में 12 इंच की दूरी और दोनों पंजों के बीच में 18 इंच की दूरी होनी चाहिए। अगर सावधान की स्थिति में है तो दोनों एड़ियां मिली रहती हैं और दोनों पंजों के बीच में 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर का अंतर होगा, दूरी होगा और 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मैरी लगोन क्रिकेट क्लब कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता ही है, ये लंदन में है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार जलीय खेलों के लिए फीना है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, उसी प्रकार शतरंज खेल के लिए क्या है दोस्तों? तो वो है फीडे। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशीय सिरे को क्या कहते हैं जो हड्डी से चिपका रहता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है टेंडन, जो मांसपेशी को हड्डी से चिपकाता है, दोनों तरफ सिरे निकले होते हैं, बीच में मांसपेशी दोनों से जुड़ा रहता है हड्डियों से, तो उसे कहा जाता है टेंडन। टेंडन मसल्स को स्केलेटर मतलब कि कंकाल मांसपेशियों से जुड़ता है और जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो आप सबको पता है राजकुमारी अमृत कौर है, जिन्होंने राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम बी पटियाला में 1953 में खुला था और ये टेनिस के प्लेयर थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।